Say my name, make me forget everything. When you call me late at night, I remember you touching my body. The way you get to me, deep where my heart is. Love me so good, but I wish I was heartless. अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला तो आप सबको खुश व खुरम और आबाद रखे आज मैं बनाने जा रही हूँ मज़ेदार और झटपट तैयार होने वाले चिकन सैंडविचेस बच्चों ने रात में इसे स्पेशली फ़रमाइश की थी कि मामा सुबह हमने नाश्ते में सैंडविचेस खाने हैं ये सैंडविचेस आप नाश्ते में भी इन्जॉय कर सकते हैं आपको हल्की भुल्की भूख हो या स्नैक टाइम पर भी जो है आप इनको बना सकते हैं और उसको आप इंजॉय कर सकते हैं बच्चों को दिन भर एक्टिव रखने के लिए और उनकी ग्रोथ के लिए सुबह का नाश्ता जो है वो बहुत ज़रूरी होता है इसलिए कोशिश किया करें बच्चों को सुबह उनका मनपसंद नाश्ता बना के दिया करें ताकि वो खुशी खुशी नाश्ता करें और अपने दिन का आगाज़ जो है ना एक अच्छे और हेल्दी ब्रेकफास्ट से करें सैंडविचेस बनाने के लिए सबसे पहले ली है मैंने ब्रेड और इसके किनारों को मैंने काट लिया है इन किनारों को मैं वेस्ट नहीं करती इससे ब्रेड क्रम्स बना लेती हूँ आप भी कोशिश किया करें जब इस तरह के सैंडविचेस वगैरह बनाने हो तो उनके किनारों को इकट्ठा करके रख लिया करें और जब भी आपको टाइम मिले तो आप उसके ब्रेड क्रम्स बना के उसको फ़्रिज में रख लें तो आप काफ़ी टाइम तक उनको यूज़ कर सकते हैं चिकन को मैंने नमक और सिका डाल के बॉयल कर लिया है ऐसा करने से इसकी जो अपनी छान होती है ना चिकन की वो ख़त्म हो जाती है फिर इसके मैंने रेशा अदा कर लिए हैं और साथ इसमें मैंने ऐड किया है दो चम्मच जो डब्बे वाली क्रीम होती है वो डाली है साथ में थोड़ी सी मैंने इसमें मायो ऐड की है और थोड़ा सा ही नमक और थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च जो है ना वो मैंने डाल दी है थोड़ा सा इसमें मैंने ऑर्गेनो ऐड किया है थोड़े से टेस्ट के लिए आप इसमें टमाटो कैचअप भी ऐड कर सकते हैं इस तरीके से आप बहुत सिंपल और मज़ेदार किस्म के जो सैंडविचेस हैं वो प्रिपेयर कर सकते हैं बच्चों को रोज़ एक जैसा नाश्ता तो ना बच्चे बोर जाते हैं और वाकई ही वो नाश्ता नहीं करते मैंने बहुत सारी माओ को ये बात शिकायत करते हुए सुनी है कि वो कहते हैं कि हमारे बच्चे जो है ना नाश्ता नहीं करते जिस तरह हम लोग रोज़ एक जैसा खाना नहीं बनाते कि हम मतलब नेक्स्ट डे हमारा दिल नहीं करता जो एक दिन चीज़ खाए नेक्स्ट डे वो खाए चाहिए इसी तरह बच्चों का जो है ना मैंने नोटिस किया कि उनको रोज़ सेम नाश्ता तो ना तो वो भी नहीं करते तंग करते हैं तो मेरी कोशिश होती है कि मैं थोड़ा सा रोज़ उनको चेंज करके नाश्ता दूँ ताकि मेरे बच्चे जो हैं खुशी खुशी नाश्ता कर लें और यहाँ पे बस मेरे सिंपल से सैंडविचेस जो हैं वो रेडी हो गए हैं बच्चों को मैंने उठा दिया था वो लोग फ़्रेश अप होकर नीचे आ रहे हैं और टेबल पे मैं इन सब का जो है नाश्ता इकट्ठे ही रख देती हूँ अशर नायत तो माशाल्लाह जो है ना बड़े हो गए हैं लेकिन शाहिर मारिया अभी छोटे हैं तो वो लोग बहुत मूडी हैं बहुत तंग करके मुझे जो है ना वो नाश्ता वगैरह करते हैं तो मेरी कोशिश होती है कि मैं इन सबको इकट्ठा बिठा के नाश्ता दूँ क्योंकि बड़े तो माशाल्लाह बड़े हो गए हैं वो आराम से खा पी लेते हैं बता भी देते हैं इतना तंग नहीं करते तो मैं छोटों को भी इनके साथ ही मेरी कोशिश बिठा दूँ ताकि बड़ों को देख के छोटे भी जो है ना कुछ ना कुछ खा ही लेते हैं साथ में बच्चों को मैंने दूध में जो है चॉकलेट डाल दी थी बच्चे प्लेन दूध इतना लाइक नहीं करते तो उनमें या तो इनको शेक बना देती हूँ साथ में या इनको दूध में माइलो या चॉकलेट पाउडर जो होता है ना वो ऐड कर देती हूँ तो बच्चे इस तरह जो है खुशी खुशी नाश्ता कर लेते हैं नाश्ते की मेज़ पे मैं बच्चों से जो है ना इनसे हल्के फुल्की बातचीत भी करती रहती हूँ इनके दिन भर की जो रूटीन होती है उस पर भी बात हो जाती है और नाश्ते के टाइम पर मैं इनसे पूछ लेती हूँ कि आज खाने में क्या बनाऊँ अगर बच्चों को बचपन में ही अपने छोटे छोटे काम करने की खुद आदत डाल दी जाए ना तो इससे हाँ माओ को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है साथ में बच्चों की आने वाली ज़िंदगी में उनके लिए भी चीज़ें जो हैं बहुत फ़ायदेमंद साबित होती हैं जैसे बच्चे जब खाना वगैरह खाएं तो उनको बताएं कि आप अपने खाने के बर्तन उठा के सिंक में रखें जब भी घर से बाहर से अंदर दाखिल होते हैं तो अपने शूज़ ठाके के जब आप शूज़ उतारते हैं तो अपने शूज़ रैक में रखें सुबह उठते हैं तो अपना बेड वगैरह ख़ुद सेट किया करें माशाल्लाह बड़े तो मेरे दोनों कर लेते हैं लेकिन उनको देखा देखिए छोटे भी जो है ना इन्हीं बातों पे अब अमल कर रहे हैं सावन का महीना स्टार्ट हुआ हुआ है बारिशें तो आए रोज़ हो रही हैं लेकिन जब भी बारिश हुआ करें अल्लाह तला से ज़रूर दुआ किया करे की ये बारिश रहमत की बारिश हो क्योंकि हम लोग तो अपने घरों में सेफ बैठे होते हैं जिन लोगों के अपने घर नहीं हैं या जो झोंपड़ियों पर रहते हैं ना उनके लिए बारिश जो है ना बहुत ज़्यादा मसला पैदा कर देती है तो दुआ किया करें अल्लाह ताली उनके लिए आसानियाँ करें बारिश हो रही है और मौसम काफ़ी ठंडा हुआ हुआ है तो इस मौसम में सासू माँ ने जो है ना आज फरमाइश की है कि मिसी रोटियाँ बनाओ बच्चे भी जो हैं वो मिस्सी रोटी खुश होकर खा लेते हैं तो मैंने सोचा आज मिस्सी रोटी ही जो है बना लेती हूँ इसके लिए मैंने एक प्याज लिया था उसको मैंने चॉपर में डाल के चॉप कर लूँगी दो से तीन मैंने हरी मिर्ची ली थी उनको बारीक काट लिया साथ में मैंने पुदीना लिया था उसको भी मैंने जो है बारीक बारीक काट लिया है प्याज़ को चॉप करने के बाद इसको मैं एक जो है ना कपड़े में डाल के इसका पानी अच्छे तरीके से निकाल लूँगी क्योंकि अगर आप प्याज को ना ऐसे ही आटे में डाल देंगे ना तो ये जो प्याज है ना अपना पानी छोड़ता रहकर और आटे की जो अपने गूँधा होता है ना उसको नरम करता रहता है तो इस तरह ना छोड़ के पानी निकाल लेते हैं तो आटा जो है ना आपका नरम नहीं पड़ता यहाँ पे तकरीबन मैंने तीन कप लिया था गंदम का आटा और एक कप इसमें मैंने बेसन जो है वो ऐड कर दिया है आजकल जैसे सावन का मौसम है तो आटे और जो बेसन में है ना वो सुसरी से जो बहुत लगती है तो इसलिए बेहतर है कि उसको छान के इस्तेमाल करें इसमें अब मैंने जो चॉप किया हुआ हरी मिर्चें और हरा धनिया था ना वो इसमें डाल दिए और साथ ही इसमें मैं प्याज डाल दूँगी ऐसे बारिश के मौसम में मिस्सी रोटी और उसके ऊपर आपने मक्खन या घी रख के खाओ तो बहुत मज़ा आता है या साथ में खराब ग्रीन चटनी या लहसुन की चटनी भी होता भी बहुत ज़्यादा जो है ना ये स्वाद देती हैं इसमें मैंने डाला है नमक हंसपे ज़ायका कुटी हुई जो है ना सूखा धनिया वो मैंने इसमें ऐड किया है तकरीबन दो चम्मच दो चम्मच ही इसमें मैंने मिर्च के ऐड किए हैं चिली फ्लेक्स डाल लें हैं कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर लें थोड़ी सी इसमें कसूरी मेथी डाल लेना तो मिसी रोटी की जो खुशबू है ना बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है इन सबको अच्छे तरीके से पास मैं मिक्स कर लूँगी और इसको ताज़े पानी के साथ इस आटे को मैं गूँंद लूँगी आटे की जो है ना डो आपने बहुत सॉफ्ट नहीं रखनी होती क्योंकि अगर बहुत सॉफ़्ट होगी तो रोटी बेली नहीं चाहिए अगर हार्ड हो के तब भी जो है ना आपकी रोटी टूटती रहती है तो एक नॉर्मल से जो है आपने आटा उसको गूँध लेना है और साथ ही इसको मैं रखती नहीं हूँ साथ ही मैं इनके पेड़े बना के ना रोटी बना लेती हूँ ताज़ा ताज़ा आटा गूँधा हो ना बीसी रोटी का तो बहुत अच्छी जो है ना वो रोटी बनती है सुबह नाश्ते के बाद बच्चे अकेडमी चले जाते हैं और मैं अपने लंच वगैरह जो है ना वो प्रिपेयर करने के में लग जाती हूँ यहाँ पे मैंने अपनी मिस्सी रोटियाँ सारी बना ली थी क्योंकि बच्चे आने वाले थे मेरा प्लान ये था कि हम सब इकट्ठे बैठ के बाहर बारिश में जो है ना अपनी रोटी को एंजॉय करेंगे और बस यहाँ पे हमारी रोटियाँ हो गई रेडी और साथ में मैंने ग्रीन चटनी रखी थी बहुत ही मजे की जो है ना इस तरीके से मिस्सी रोटी बनती है खाना खा के बच्चों ने थोड़ी देर रेस्ट किया और उसके बाद अब चार बच्चे जो है इनके क्लब का टाइम हो जाता है जब से छुट्टियां स्टार्ट हुई हैं ना मैंने अपने बच्चों का रूटीन और स्कड्यूल इस तरह सेट किया कि मेरे बच्चे कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्टिव सारे दिन में सीखें सुबह के टाइम बच्चों की जो है ना अकेडमी का टाइम होता है एक बजे ये लोग वापस आते हैं वहाँ से पढ़ के खाना खा के थोड़ी देर रेस्ट करते हैं तो चार बजे इनके क्लब का टाइम हो जाता है और चार से छः जो है ना ये दो घंटे ये क्लब में गुजारते हैं और यहाँ पर ये लोग बैडमिंटन खेलते हैं बच्चों को फिजिकली खेलना उनकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है जैसे आजकल हमारे टाइम पे था ना कि बाहर गली में बच्चों के साथ खेलिया या ग्राउंड में जाके बच्चों ने खेल लिया आज का दौर इस तरह का चल रहा है इतना सख्त कि आप ना बच्चों को बाहर भेजने वे या ग्राउंड्स में भेजते हुए खिलाते हैं के लिए ना डरते हैं तो इसलिए कुछ ऐसे इन्वायरमेंट में बच्चों को भेजें ताकि बच्चे भी सेफ़ हों और आपको भी इतनी टेंशन ना हो और बच्चे कुछ हेल्दी वहाँ से सीख के आ रहे हों आजकल गैजेट्स का दौर है टी वी टैब फ़ोन ये ज़रूरी तो हैं लेकिन इनके नुकसान जो है ना फ़ायदे भी इनके हैं लेकिन इनके नुकसान बहुत ज़्यादा हैं तो कोशिश करें बच्चों को इस तरह की फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में बिज़ी रखें स्टडीज़ नो डाउट बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है लेकिन उसके साथ साथ अगर आपके बच्चे फिज़िकली कोई गेम खेलना चाहते हैं या उनमें कोई सलाहियत है तो बच्चों को प्रमोट करें उनको मोटिवेट करें ताकि बच्चे जो है ना वो और अच्छे तरीके से जो है अपने अंदर की कैपेबिलिटीज़ को बाहर निकाल के लाएं मेरे बच्चों को बैडमिंटन का शौक़ है लास्ट ईयर उन्होंने कराटे भी किए हैं फिर इन्होंने स्विमिंग भी सीखी है और इस साल जो है ना इनका इंटरेस्ट था बैडमिंटन खेलने में लेकिन मैंने इनसे अब बोला कि आप लोग एक अपनी जो है ना कोई ऐसी जो गेम जो आपको बहुत पसंद है ना उसमें अपने आप को अच्छे तरीके से अपने आप को मनवाएँ ताकि आगे फर्दर लेवल्स पर भी ये लोग जाके उसको खेल सकें बस यहाँ पे दो घंटे इन लोगों ने पहले जो इनके मैंने ट्रेनर भी साथ रखा हुआ जो इनको पहले एक्सरसाइज़ वगैरह करवाते हैं उसके बाद जो है इनको खेलने में भी इनको सिखाते भी हैं और उनको खेलने में भी हेल्प करवाते हैं बच्चे जब भी क्लब जाते हैं ना मैं इनको पानी की बोतल ज़रूर साथ देती हूँ और उसमें मेरी कोशिश होती है कि इनको और ऐस डाल के दूँ क्योंकि जितना ये खेलते हैं वहाँ पर एक्सरसाइज़ वग़ैरह करते हैं तो इनको स्वेटिंग बहुत ज़्यादा आती है पसीना बहुत ज़्यादा आता है तो इसलिए इनको एक्टिव रखने के लिए साथ में मैं इनके पानी के बॉटल में जो है ना वो और भी पी डाल देती हूँ क्लब से वापस आकर बच्चे कारी साहब से पढ़ते हैं और उसके बाद जो है मैं और बच्चे हम लोग बैठते हैं हम लोग मैंने अपने घर में जो है ना ऐसा फ्रेंडली माहौल रखा हुआ है कि मेरे बच्चे मेरे साथ बैठ के अपने दिल की सारी बातें करें मैं बच्चों को कोशिश करती हूँ इनको टाइम दूँ इनके साथ खेलूँ इनको जो है ना अपने इन सारे मोमेंट्स शेयर करूँ छोटे छोटे ताकि बच्चे जो है ना मेरे पे ट्रस्ट करें मुझसे फ़्रीली अपनी हर बात शेयर कर सकें मेरे बच्चे कहीं पर जाते हैं ना घर आने के लिए वो मोटिवेट होते हैं कि हम घर जाएँ बेचैन होते हैं बेताब होते हैं कि हम लोग इस टाइम घर जाएँ और घर जाके अपने घर में जो है ना सबसे ज़्यादा सुकून मेरे बच्चे महसूस करते हैं ये छोटी छोटी हैबिट्स हैं जिनको अपना के आप अपने बच्चों के साथ और अपने घर के माहौल को बहुत बेहतर कर सकते हैं इसके साथ ही आज की वीडियो को हम करते हैं एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को शेयर लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मुझे दुआओं में याद रखिएगा अल्लाह हाफ़िज